गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, एज वी आर डूइंग 12th क्लास हिस्ट्री, सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक ऑफ चैप्टर महात्मा गांधी नेशनलिस्ट मूवमेंट 3.2. टुडे वी विल डू डायलॉग्स. इन दिस वी विल रीड अबाउट टू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. सो बी कंटिन्यू. द साल्ट मार्च वॉज नोटेबल फॉर एटलीस्ट 3 रीजन्स. जो साल्ट मार्च था 3 रीजन्स के कारण नोटेबल मतलब हुआ. तो फर्स्ट रीजन क्या है इसमें, फर्स्ट इट वॉज दिस इवेंट द फर्स्ट ब्रॉट महात्मा गांधी टू वर्ल्ड अटेंशन. तो इससे क्या है, महात्मा गांधी पूरे वर्ल्ड को अटेंशन में ले आते, मतलब पूरे देश को जागृत कर देते हैं. द मार्च वॉज वाइडली कवर्ड बाय द यूरोपियन एंड अमेरिकन प्रेस. और जो मार्च जो था, दांडी मार्च, हमने साल्ट मार्च जो पढ़ा था, उसमें क्या यूरोपियन और अमेरिकन प्रेस में भी बहुत उसकी चर्चा होती है. सेकंड, इट वाज द फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी इन विच वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर. सेकंड, दूसरा कारण क्या था कि ये पहली एक्टिविटी थी पूरे देश में कि जब स्त्रियों ने, वुमेन्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया. द सोशलिस्ट एक्टिविस्ट कमला देवी चट्टोपाध्याय हैड परसुएडेड गांधी जी नाउ नॉट टू रिस्ट्रिक्ट द प्रोटेस्ट टू वुमेन अलोन. जो कमला देवी चट्टोपाध्याय होती है, सोशलिस्ट एक्टिविस्ट होती है, समाजवादी सेविका होती है, वो महात्मा गांधी को बोलती है कि जो आप मूवमेंट चला रहे हो वो सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित मत रखो, पुरुषों को ही केवल शामिल मत करो, औरतों को भी शामिल करो. कमला देवी वाज हरसेल्फ वन ऑफ न्यूमरस वुमेन हु कॉटेड अरेस्ट. कमला देवी मतलब उन वुमेन्स में थी, उन हज़ारों वुमेन्स में से थी जो कि जिसको अरेस्ट भी किया गया. आगे, इट वॉज द साल्ट मार्च विच फोर्स अपॉन द ब्रिटिश द रियलाइजेशन दैट राज दैट दे राज वुड नॉट लास्ट फॉर एवर एंड दे वुड हैव टू डिवल्व्ड सम पावर टू द इंडियन. अब ये मार्च जो साल्ट मार्च था, इसके द्वारा ही ब्रिटिशर्स लोगों को मतलब कि ध्यान में आया कि अब उनका राज जो है ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा और उन्हें इंडियंस के पीपल्स को कुछ पावर अब देनी पड़ेगी. मीन्स जो 200 सालों से ब्रिटिशर इंडिया में राज करते आ रहे थे, अब उनको ये रियलाइज़ हो गया कि जो इंडियंस पीपल है वो जाग गए हैं, वो अपने राइट्स के लिए अब लड़ेंगे. तो उन्हें अब ये पता हो लग गया कि उनका जो राज है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला और उन्हें इंडियंस के पीपल्स को अब कुछ पावर्स देनी पड़ेगी. अब इसके लिए वो आपस में मतलब इंडियंस के जो लीडर्स होते हैं उनके साथ बातचीत करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, एक कॉन्फ्रेंस होती है, बातचीत के जरिए वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं. टू दैट एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वेंटेड ए सीरीज ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन. लंदन में होती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब ऐसे ही है जैसे आप इस पिक्चर्स में देख रहे हो कि इर्द गिर्द लोग बैठे हैं, बीच में टेबल्स लगी हुई है, तो इसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोला गया था. तो आगे, जो कि लंदन में होती है, द फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन नवंबर 1930 में फर्स्ट मीटिंग होती है, बट विदाउट द प्री एमिनेंट पोलिटिकल लीडर इन इंडिया दस री रेंडरिंग इट एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी. कहते इसमें जो लंदन में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1913 नवंबर में, जो कि उसमें क्या है, भारत के जो प्रोमिनेंट लीडर उसमें नहीं होते क्योंकि गांधी जी उस समय जेल में होते हैं, तो उसमें कोई प्री एमिनेंट लीडर वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करता. तो जो उनकी जो मीटिंग होती है फ्यूटिलिटी मतलब निरर्थक हो जाती है, मतलब फील हो जाती है. गांधी जी वॉज रिलीज फ्रॉम जेल इन जनवरी 1931. अब जो फर्स्ट मीटिंग होती है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती है वो फेल हो जाती है क्योंकि गांधी जी जेल में होते हैं. लेकिन अब बाद में जब गांधी जी को जेल से छोड़ दिया जाता है, जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से छोड़ दिया जाता है, एंड द फॉलोइंग मंथ हैड सेवरल लॉन्ग मीटिंग विद द वायसराय. अब वायसराय जो होता है, इरविन होता है उस समय, तो उसके साथ बहुत सारी मीटिंग होती है गांधी जी के साथ. दिस कल्मिनेटेड इन वट वॉज कॉल्ड गांधी इरविन पैक्ट, जिसे कि गांधी इरविन पैक्ट बोला गया है, गांधी इरविन समझौता बोला गया है, बाय द टर्म ऑफ विच सिविल डिसोबिडेंट वुड बी कॉल्ड ऑफ ऑल प्रिजनर्स रिलीज एंड साल्ट मैन्युफैक्चर अलाउड अलोंग द कोर्स. इसमें क्या समझौता होते हैं कि गांधी जो सिविल डिसोबिडेंट मूवमेंट चाहते हैं उसे वापस ले लेते हैं, उसे ख़त्म कर देते हैं, और जितने भी प्रिजनर, जितने भी कैदी ब्रिटिशर्स ने जेल में डाले होते हैं इंडियंस को, तो रिलीज़ कर देते हैं और उनको साल्ट मैन्युफैक्चर करने का भी राइट मिल जाता है.
द पैक्ट अनेबल टू ऑब्टेन फ्रॉम द द पैक्ट वॉज क्रिटिसाइज बाई रेडिकल नेशनलिस्ट फॉर गांधी जी वॉज अनेबल टू ऑब्टेन फ्रॉम द वॉइस रॉय ए कमिटमेंट टू द पोलिटिकल इंडिपेंडेंस फॉर इंडियंस ही कुड ऑब्टेन मेयरली एन एश्योरेंस ऑफ टॉक टू वॉर्ड दैट पॉसिबल एंड. मतलब जो रेडिकल्स होती हैं, रेडिकल्स पीपल जो होते हैं, जो उग्र विचारों के पीपल होते हैं, नेशनलिस्ट रेडिकल जो होते हैं, वो गांधी जी से मतलब इस बात से खुश नहीं होते कि गांधी जी सिर्फ बातों में ही करके बात ही करके आगे, तो मतलब कि उनको गांधी जी की बातें पसंद नहीं आती कि गांधी जी इतना समझौता बातों में करके आगे. तो अब उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती है, ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन लंदन लेटर पार्ट ऑफ 1931 में दूसरी जो होती है. हेयर गांधी जी रिप्रेजेंटेड द कांग्रेस, यहाँ पे गांधी जी कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं. हाउएवर हिज क्लेम दैट हिज पार्टी रिप्रेजेंटेड ऑल इंडिया केम टुगेदर चैलेंज फॉर थ्री पार्टी फ्रॉम द मुस्लिम लीग विच क्लेम टू स्टैंड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम मिनोरिटी एंड प्रिंसेस हु क्लेम दैट कांग्रेस हैड नो स्टेक इन देयर टेरिटरी एंड from the brilliant lawyer and thinker B.R. Ambedkar who argued that Gandhiji and the Congress did not recall represent the lowest casting. तो गांधी जी यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से भाग लेते हैं, कांग्रेस की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं, और मतलब कि कहना होता है कि वो पूरे देश की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बट यहाँ पे इनको तीन मतलब चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. एक मुस्लिम लीग की तरफ से कि मुस्लिम लीग और जो मुस्लिम लीग होती है, दूसरी क्या होती है प्रिंस होते हैं, और तीसरा जो B.R. अम्बेडकर. ये तीनों कहते हैं कि गांधी जी हमारा नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि गांधी जी मुस्लिम मिनोरिटी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, या B.R. अम्बेडकर का कहना होता है गांधी जी लोअस्ट कास्ट के बारे में, पीपल के बारे में नहीं सोच रहे हैं. तो मतलब कि ये तीनों चुनौतियाँ गांधी जी के सामने होती हैं, जहाँ पर गांधी जी बोलते हैं कि वो कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंट करें, मीन्स पूरे देश की तरफ से रिप्रेजेंट करें, लेकिन जो मुस्लिम लीग और प्रिंसेस जो होते हैं एंड B.R. अम्बेडकर, ये गांधी जी की इस बात से सहमत नहीं होते कि गांधी जी पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. द कॉन्फ्रेंस इन लंदन वॉज इनकॉन्क्लूसिव. तो इस तरह से जो गांधी जी की कॉन्फ्रेंस होती है, उसके साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती है सेकेंड, वो भी इनकॉन्क्लूसिव होती है, मतलब कि फ्रूटलेस हो जाती है, निरर्थक हो जाती है. सो गांधी जी रिटर्न टू इंडिया एंड रिज्यूम सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट एंड द न्यू. अब गांधी जी वापस इंडिया आ जाते हैं और वापस अपनी सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट चला देते हैं. मतलब जो दोनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है उसका कोई हल ही नहीं निकलता, दोनों ही निरर्थक हो जाती है. ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे.